हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज मैं कुछ वैकेंसी लेकर आया हूँ मारुति सुजुकी के अंदर। मारुति सुजुकी की शुरुआत 1981 में हुई। 2021 में इसका रेवेन्यू 9 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का था। इसमें 16,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं इस कंपनी में। इस कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज निकली हुई है। अगर आप फ्रेशर्स हैं, इंजीनियर हैं या मैनेजर हैं, आप मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर में जाना चाहते हैं, अलग अलग तरह की काफी सारी वैकेंसीज इसके अंदर निकली हुई है। क्या क्वालिफिकेशन रही, कौन कौन सी डेजिग्नेशन है, कैसे अप्लाई करना है, क्या आपकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, मैं सब चीजें बताऊंगा। बताने से पहले आपकी एक सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सा आपको मारुति सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मेरे लिंक के थ्रू भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, या गूगल में मारुति सुजुकी जॉब्स टाइप करेंगे तो वहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी इसकी, मारुति सुजुकी की। और उसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर कुछ इंटरफेस इस तरह का पाएंगे। मैं बताऊंगा आपको इस वक्त कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, मारुति सुजुकी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें फ्रेशर्स के लिए अलग वैकेंसीज हैं, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग हायर के लिए अलग वैकेंसीज हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए अलग वैकेंसीज हैं, वर्कमैन हायरिंग के लिए अलग वैकेंसीज हैं। अभी तक 16,500 लोग इसके अंदर काम, और 34 से ज़्यादा सिटीज़ में ये फैला हुआ है। 294 अवार्ड मिल चुके हैं एम्प्लॉइज को। अब देखते हैं हम सबसे पहले वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज आज निकली हुई है। जब एक्सप्लोर नाउ पे मैं क्लिक करूंगा तो करंट वैकेंसीज खुलकर आएंगी। तो देखिए दोस्तों, अभी कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है। स्ट्रेटजी या प्लानिंग में आपको जाना है तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, CSR प्लानिंग, इन सब की वैकेंसीज है। AMDM इंटीरियर कार्ड डिजाइनिंग में अगर जाना है, असिस्टेंट मैनेजर गुड़गांव की काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। इंजीनियरिंग में जाना है, असिस्टेंट मैनेजर, DM, MGR, डिप्टी मैनेजर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल या असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, टू व्हीलर ट्रांसमिशन, काफ़ी सारी वैकेंसीज है। जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे उतनी वैकेंसीज आपको मिलती जाएंगी। इसके अंदर काफ़ी वैकेंसीज हैं, बहुत वैकेंसी, हर डेजिग्नेशन, हर क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसीज हैं। मैं एक वैकेंसी आपको बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है वैकेंसी के अंदर। देखिए, जब आप किसी भी वैकेंसी को ओपन करेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह का आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल, इंजीनियरिंग चाहिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मतलब बीटेक होना चाहिए आपका, इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या क्लाइमेट चेंज होना चाहिए आपकी डिग्री के अंदर। एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का चाहिए। मैन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉलेज कार्बन फुटप्रिंट, अकाउंटिंग, ये आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप ध्यान से पढ़िएगा कौन कौन सी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने वाली है। बिहेवियर स्ट्रॉन्ग एनाटाइट, बिहेवियर में आपका चाहिए स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, एविड रीडर होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल, रिटिन, सब चीज़ें चाहिए इसके अंदर, गुड टीम प्लेयर होनी चाहिए, हाई इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंदर। टेक्निकल स्किल्स में आपका वर्ड आना चाहिए, एक्सेल आनी चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए। फुल टाइम की ये वैकेंसी है, 17 जनवरी को ये वैकेंसी निकली है। अप्लाई बस लॉग इन टू अप्लाई नाउ करिएगा। आप इसमें फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन जो जो मांगी जाएगी वो आपको भरनी है, इसके अंदर फिल करनी है। बैक जाएंगे तो फिर आपको, अगर आप एक्सपीरियंस है या फ्रेशर से, या आपको डिज़ाइनिंग में काम करना है, या मैन्युफैक्चर प्लांट में काम करना है, या आपको मैनेजरियल पोस्ट पे काम करना है, किसी भी पोस्ट पे, अगर आप, जो आपकी पोस्ट हो, जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, जिस तरह का आपको एक्सपीरियंस हो, जिस तरह की आपके अंदर स्किल्स हो, जिस तरह की आपके अंदर क्वालिफिकेशन हो, वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अपने हिसाब से डेजिग्नेशन देखिएगा, जो आपकी सुइटेबल डेजिग्नेशन हो उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपकी स्किल्स, रेलिवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मैच करती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी इंटरव्यू के लिए कॉल आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, जाके अप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।